फ्रेंड्स, मैं पूनम अग्रवाल, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेठानी की रसोई में। फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने जो अपना सपोर्ट मुझे दिया है, मेरी वीडियोज को सराहा है, उसको आगे भी ऐसे ही जारी रखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को और मेरी रेसिपीज को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं जाफरानी नवरत्न पुलाव। उसके लिए 9 चीज़ें तो मैंने ये ले रखी हैं। एक गाजर ली है, ये पनीर है, ये गोभी ली है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसको मैंने, ये थोड़े से बादाम हैं, ये एक आलू काट लिया है, ये थोड़ी सी मटर है, और ये थोड़े से अखरोट के पीसेस हैं, ये थोड़े से काजू, और ये हमारी किशमिश है। इसके साथ ही मैंने केसर को दूध में भिगो के ले लिया है। अब जब नवरत्न पुलाव बना रहे हैं तो चावल भी चाहिए। ये चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, आप चाहें तो माइक्रोवेव कर सकते हैं। कुकर में एक सीटी लगा के आप जिस तरीके से चावल पकाते हो, ये बिल्कुल साधारण पके हुए चावल हैं जो कि मैंने ले लिए हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं अपनी नवरत्न पुलाव बनाने की प्रोसेस। ये मैंने एक पैन में करीब 2 चम्मच घी ले लिया है। नवरत्न पुलाव हमें घी में ही बनाना है, घी में ही इसके सारे फ्लेवर्स अच्छे से निकल के आते हैं। इस घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और गरम कर लेंगे ताकि इस घी में हम अपने सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट कर सकें। घी अब गरम हो चुका है, मैं इसमें सारे नट्स डाल लूँगी और उन्हें अच्छे से भून लूँगी। ये मैंने काजू डाल दिए, साथ ही साथ में बादाम भी ऐड कर दूँगी और अखरोट भी। किशमिश मैं इसमें डाल के नहीं भूनूँगी, किशमिश हमें ऐसे ही यूज करनी है। इनका कलर जब हल्का सा चेंज हो जाएगा तो मैं इन्हें इसमें से निकाल लूँगी और उसके बाद किसी तरीके से मैं सब्जियाँ फ्राई करूँगी। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही डिलीशियस पुलाव होता है ये। नट्स हमारे अब फ्राई हो चुके हैं, मैंने इन्हें स्लो मीडियम हीट पे भूना है। आप भी इसी तरीके से भूनिएगा ताकि ये अंदर तक से अच्छे से भून जाए। और अब मैं इन्हें पैन में से निकाल लूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पनीर और इसे भी अच्छी तरीके से ब्राउन कर लूँगी। पनीर भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे भी मैं इस घी में से निकाल के अलग रख दूंगी। और अब हम अपनी सब्जियां इसी घी में फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं गोभी डालूंगी, गोभी को मैं गोल्डन कर लूंगी। गोभी पे कलर आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और उससे ये थोड़ी सी गल भी जाएगी। किसी भी सब्जी को हमें एक्स्ट्रा गलाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पीसेज में काटा है, फ्राई होने से ही वो सॉफ्ट हो जाएंगी। गोभी भी हमारी आप देखो गोल्डन हो चुकी है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। अब इसे भी मैं इस पैन से निकाल लूँगी। अब इसके बाद मैं इसमें आलू और गाजर फ्राई करूँगी। ये मैंने डाल दी गाजर और ये मैंने डाल दिया आलू। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। आलू और गाजर भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी मैं इस पैन से निकाल लूँगी। और इन्हें निकालने के बाद मुझे इसमें डालनी है जो हमने मटर ली थी वो। मटर को मैं बहुत हल्का सा सौते कर लूँगी और उसके बाद निकाल लूँगी। मटर पे मुझे कोई कलर नहीं चाहिए क्योंकि अगर ऊपर से ज़्यादा क्रिस्पी हो गई तो फिर वो गलेगी नहीं, इसलिए बस मटर को मैं इसमें डाल के और निकाल लूँगी। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। सारी सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो चुके हैं, किशमिश हमने फ्राई नहीं करी है, उसको हम ऐसे ही ऐड कर देंगे इसमें। और चलिए तड़का बनाते हैं जिसमें डाल के हम अपना नवरत्न पुलाव बनाएंगे। कढ़ाई में जो घी था उसी घी में हम अपना छौंक तैयार कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेज पत्ता, एक दालचीनी और थोड़ा सा टुकड़ा या एक काली मिर्च।
काली मिर्च को आप दानी भी निकाल के डाल सकती हैं। यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, जीरा भुनने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च जो कि मैंने दरदरी कूट रखी है, इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है। ये 8-9 काली मिर्च है, इन्हें मैंने दरदरा कूट रखा है। इस पुलाव में मिर्च कम जाती है, ये हल्का मीठे टेस्ट का होता है, लाल मिर्च तो इसमें बिल्कुल नहीं जाएगी। ये डालने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें अपने चावल। चावल डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स। इनको हल्के से मिला लेंगे। पके हुए चावल हैं, बहुत संभाल के मिलाइएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी केसर जो मैंने दूध में भिगो रखा है, वो इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छे से एक मिक्स देने के बाद मैं 3-4 मिनट के लिए इसे ढक के रख दूंगी पकने के लिए, ताकि सारे मसाले जो भी हमने थोड़े बहुत डाले हैं और सब्जियाँ, सब में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, सब अच्छे से मिक्सअप हो जाए और हमारा नवरत्न पुलाव तैयार हो जाए सर्व करने के लिए। अब बस मैं इसको ढक दूंगी और मीडियम हीट पे 3-4 मिनट पकने दूंगी। करीब 3-4 मिनट हो चुके हैं, पुलाव हमारा तैयार हो गया होगा। आप देखो कि ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, इसका अरोमा भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। केसर की, घी की और सब्जियों की मिली हुई खुशबू इसको बहुत ही यमी बना रही है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके वो भी ज़रूर बताइएगा।